सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के सीईओ पद से जैक डॉर्सी का इस्तीफा हो चुका है और भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ने अब सीईओ के पद पर कमान संभाल ली है। अब चूंकि वो भारत से ताल्लुकात रखते हैं, यही वजह है कि तमाम भारतीय इस वक्त गर्व महसूस कर रहे हैं, उनको बधाई संदेश दे रहे हैं और न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी पराग अग्रवाल को बधाई संदेश मिल रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने भी पराग अग्रवाल की तारीफ की है और इन सबके बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत सरकार से पंगा लेना ट्विटर को महंगा पड़ गया। ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको याद होगा भारत सरकार ने नए नियम लागू करने के लिए ट्विटर से कहा था, ये कुछ गाइडलाइंस थी जिनको ट्विटर को जारी करना था, लेकिन ट्विटर लगातार टालमटोल कर रहा था। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या भारत सरकार से पंगा लेना ट्विटर को भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से नए आईटी एक्ट को लागू किया था जिसे लेकर ट्विटर और सरकार के बीच टकराव हुआ था। उस वक्त कयास ये भी लगाए जाने लगे थे कि अगर ट्विटर इस तरीके से मनमानी करेगा तो भारत में हो सकता है इसको बैन कर दिया जाए। हालांकि विवाद वहां तक तो नहीं बढ़ा क्योंकि ट्विटर ने अपनी सफाई में ये कह दिया था कि जल्द ही वो इस आईटी एक्ट को लागू करेगा, जल्द ही नए नियम लागू कराए जाएंगे और वाद विवाद सुलझता हुआ नजर आया तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला शांत पड़ गया था। लेकिन इन सबके बीच अचानक से ये खबर आना कि जैक डॉर्सी का इस्तीफा हो गया है, पराग अग्रवाल को नया सीईओ बना दिया गया है, ये तमाम तरह के सवाल उठने लग गए हैं। लोग कहने लगे हैं कि भारत सरकार से, मोदी सरकार से पंगा लेना ट्विटर और ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी को भारी पड़ गया है। ऐसे में अगर आप भी यही सोचते हैं कि भारत सरकार से पंगा लेना जैक डॉर्सी को भारी पड़ा है तो ये खबर जरा अंत तक देखिएगा। दरअसल खबरें ये मिल रही हैं कि सरकार से पंगा लेने से और जैक डॉर्सी के इस्तीफा देने से दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जैक डॉर्सी ने इसलिए ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है क्योंकि वो एक और दूसरी कंपनी स्क्वायर की स्थापना कर चुके हैं और जो स्क्वायर में निवेशक हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, उनका जैक डॉर्सी को लेकर ये सवाल था कि आप एक साथ दो अलग अलग कंपनियों के पद पर रहते हुए प्रभावी तौर पर क्या काम कर पाएंगे। ऐसे में जैक डॉर्सी ने ट्विटर को अलविदा कहना सही समझा और पूरा ध्यान स्क्वायर कंपनी में देना ही उचित समझा। यही वजह है कि जैक डॉर्सी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वैसे आपको बता दें, इससे पहले 2008 में भी ट्विटर के सीईओ के पद से जैक डॉर्सी ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद 2015 में जैक डॉर्सी ने दोबारा से ट्विटर के सीईओ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। उसके बाद से ही लगातार वो इसके सीईओ के पद पर तैनात थे। हालांकि अब ये जिम्मेदारी पराग अग्रवाल के कंधों पर आ गई है। तो अगर ऐसे में आप भी यही सोचते हैं कि भारत सरकार से पंगा लेना जैक डॉर्सी को भारी पड़ा है तो इसका असल कारण ये है कि वो एक साथ दो कंपनियों के सीईओ के पद पर नहीं रहना चाहते थे। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।